और कुछ ई बी है। तो भाई जी ने तो केवल ई के घर जाने से मना किया, बी के बारे में कुछ नहीं कहा। कह रहा जी बी के घर नहीं जाएगा, हमने कहा हमें तो नहीं पता। कह रहा सारे जी बी के घर जाएंगे, हमने कहा हमें नहीं पता। तो बस सारा पॉजिटिव और थोड़ा सा नेगेटिव, तीन बातों को याद रखना। नाम सेम होने चाहिए, क्या सेम है? रूल नंबर वन, नाम सेम, जी जी बी बी। हाँ, सेकंड कॉन्सेप्ट, एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव। ये पॉजिटिव है, ऑल का पॉजिटिव, ये नेगेटिव है। चलो ये भी राइट हो गया। तीसरा, एक कंप्लीट वैल्यू होनी चाहिए और एक हाफ। तो ये ऑल वाली कंप्लीट है, ये हाफ है, आइदर ऑल लगा देना बस, हमेशा के लिए याद कर लेना। नामकरण सेम, एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव, एक कंप्लीट वैल्यू एक आधी, बस खत्म। याद रहेगा, किस किस को ये याद हो गया? वैसे ये वाली बातें पिछले सैटरडे भी सिखाई थी और यूट्यूब पे हर हर रात को 8 बजे सिखाते ही हूँ। और जब तक एग्जाम आएगा मैं रट्टा लगवा दूंगा, जब तक तो रट जाएगा, ये रट जाएगा। गलत हो गया, अभी याद आया, आप क्या बात है। अब चिड़िया चुग गई खेत, अब कंक्लूजन पे, नो कैट इज रेड, नो काउ इज रेड, सॉरी, ऑल डॉग आर काउ, नो टाइगर आर काउ। तो काउ टाइगर के घर नहीं जाएगी। सम कर लेशन है टाइगर और रेड का। काउ ने रेड के बारे में कुछ नहीं कहा, काउ ने कहा टाइगर के घर नहीं आना, लेकिन काउ ने रेड के बारे में कुछ नहीं कहा। तो काउ रेड के बारे में कुछ नहीं पता, वही नामकरण सेम, राइट। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, राइट। एक कंप्लीट वैल्यू एक हाफ वैल्यू, एक कंप्लीट वैल्यू ये नो, मतलब कंप्लीट ये नो भी कंप्लीट होता है कि कोई भी नहीं जाएगा, और ये थोड़ा एक कंप्लीट एक हाफ, राइट। जब तीनों बातें फॉलो कर रहा हो तो लगा देना आइदर ऑर, हमेशा के लिए याद रखना। नेम सेम, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक कंप्लीट एक आधा, आइदर ऑर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, उड़ाइए। कह रहा डी एफ के घर नहीं जाता, डी ने कहा मैं एल के घर नहीं जाता, और थोड़ा सा एल एफ है, तो डी ने एफ के बारे में तो कुछ नहीं कहा, हमें तो नहीं पता। सारा डी एफ के घर जाता ये भी नहीं पता। भैया नेम तो सेम है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये भी सही है, एक कंप्लीट और एक हाफ। यहां कलेश मच गया, क्योंकि यहां दोनों ही कंप्लीट वैल्यू है, इसलिए नाइदर नो। क्लियर है? रीजन सुन लो, वो कह रहे हैं तुम्हारे सारे घर में पीला कलर पेंट है, हमने कहा हमने तो नहीं देखा। वो कह रहा अच्छा तुम्हारे सारे घर में पीला कलर नहीं पेंट है, हमने कहा हमने ये भी नहीं देखा। कह रहा इधर लगाओ, हमने कहा हम क्यों लगाए इधर? तो उसने कहा ना इधर क्यों लगा रहे हो, हमने कहा पता लगा इस कमरे में पीला पेंट हो और इधर लाल पेंट हो, तो ये वाली बात भी गलत, सब जगह पीला है, और ये वाली बात भी गलत कि सब जगह पीला नहीं है, इसलिए नाइदर नॉट। ये बातें दोनों एक ही साथ गलत हो सकती है, क्लियर है? सही, दोनों पीला पीला सब जगह है, वो भी गलत, पीला कहीं पे भी नहीं है, ये भी गलत, इसलिए नाइदर नॉट। नेक्स्ट, चलो आगे बढ़ो, अब उन्हें आने दो, उन्हें आने दो, जो अब आ रहे आने दो, अब तो दिल्ली बहुत दूर हो गई। क्वेश्चन नंबर 7, नहीं यहां विदाउट डायग्राम में आपको दिक्कत हो सकती है, इस बारे में तो नहीं होगी। है सम एच कैन बी, कैन मतलब पॉसिबिलिटी, कुछ एच बी के घर चले जाएंगे। देखो एच किसके किसके हुक्म का पालन करता है? एम के। एम ने कह दिया इस जगह दिखाई मत दे जाना, तो बेचारा कहां से दिखाई देगा आडम? फिर से सुनो क्या कहानी है, एच जो भी बात मानता है कितनी, सारी की सारी किसकी? एम की। एम ने कह दिया मैं वहां नहीं जाऊंगा, तो बेचारा ये कैसे जाएगा? तो कुछ एच एम के बी के घर जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे आडम। अब ये डब्ल्यू और बी का देखो, कह रहे सारा का सारा डब्ल्यू बी के घर चला जाएगा, आओ अब डब्ल्यू के पास चलते हैं, देखते हैं डब्ल्यू क्या कह रहा है बी के बारे में। कह रहे सारा का सारा डब्ल्यू बी के घर जाएगा, देखो डब्ल्यू किससे रिलेट कर रहा है? थोड़ा सा एच से, और एच सारी की सारी बात मानता है एम की, तो डब्ल्यू भी कितनी बात मानेगा एम की? थोड़ी सी। अगर डब्ल्यू एम की थोड़ी सी बात मान रहा है, तो एम ने कह दिया मैं तो वहां कभी नहीं जाऊंगा, तो क्या सारा का सारा डब्ल्यू वहां जाएगा? कभी नहीं। हां अगर ये लिखा होता सम डब्ल्यू बीइंग बी इज ए पॉसिबिलिटी, तो हम कहते हां। क्यों भाई? सम डब्ल्यू जो एच के घर में है वो एम के घर में है, तो वही वाला तो वहां नहीं जाएगा, बचा हुआ तो जा सकता है। क्लियर है?